बरेली में बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे, जहां पीलीभीत बाईपास स्थित एक लॉन में उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल है, लोगों को डराने धमकाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज धमकियों से न डरे बल्कि उसका मुकाबला करे। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने अपने संबोधन में लोगों के उत्पीड़न की घटनाओं के साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों पर हुए अत्याचार के लिए बीजेपी सरकार की तीखी आलोचना की। बलिया, हाथरस, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, झांसी, बुंदेलखंड के साथ कानपुर के विकास दुबे की घटना का जिक्र कर ब्राह्मणों के उत्पीड़न को बयां किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एनकाउंटर का मतलब ये नहीं कि सीधे सीने में गोली मार दे, ये एक तरीके से हत्या है। उन्होंने कहा कि जैसे दलित समाज का उत्पीड़न हुआ है, वैसे ही ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों की हत्या की गई। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण समाज बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन बिखरी हुई है। अब इकट्ठा होकर ब्राह्मण समूह के रूप में रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मायावती ब्राह्मण समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान वापस दिलाने का काम करेगी। मायावती के शासन में कानून व्यवस्था को आज भी याद किया जाता है।